6 इंच का लगाना है। ये 82 का है, 82 इसका हाइट है। मैंने इसको 1.5 इंच छोटा कर दिया, ज़्यादा माइनस करने की जरूरत नहीं। अगर आप 40 का एंगल नीचे लगा रहे हैं तो इसको 1 इंच 1.5 इंच छोटा करने से हो जाएगा। और बाकी आपको मैं किस तरह से इसका डागिन पट्टी निकालते हुए देखता हूँ। यहाँ सबसे पहले आपको 4 इंच में दागी लगा देना है, फिर यहाँ से जो है आपको 1 इंच 6 छुदा में आपको दागी कर देना है, यानी 2 इंच। अब 2 इंच करने से चलेगा, कोई बात नहीं उसमें। फिर उसको आप करना है 20 इंच में। मैं अपना चैनल का गेट का हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। फिर आपको जो है, मान लीजिए आपको अगर वो पट्टी का साइज़ निकालना है, 24 का जो पट्टी करते हैं हम लोग 20 में कैंची बनाने के लिए, या फिर कुछ ये वो पट्टी का साइज़ निकालने के लिए आपको 1.5 इंच 1.5 इंच छोड़ देना है। फिर यहाँ से आपको देखना है कि कितना यहाँ आ रहा है मेरा 17 इंच का। अभी के लिए इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अभी दोनों का बीच में जो है 10 इंच में मार्किंग कर देना है। उसका बाद जो है यहाँ से फिर आपको 6 इंच में दागी कर देना है। फिर यहाँ से जो है आपको लेना है 20 इंच, वही साइज़ आते रहेंगे क्योंकि सब साइज़ इक्वल होना चाहिए और पट्टी भी आपका सेम होना चाहिए। फिर यहाँ से आपको 10 इंच में करना है। फिर यहाँ से आपको 6 इंच में मार्किंग कर देना है। वही एक ही प्रोसेस है, दो बार तीन बार जो आपको दोहराना है। ये 20 इंच में करना है, फिर इसको 10 इंच में मार्किंग करना है, और लास्ट में देखना आपको कितना बचता है। यहाँ मेरा 5 इंच बच गया, वो काफ़ी है। आप 6 इंच तक बचेगा तब भी आपको आपका चैनल हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊपर में खोल जाने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो गाइस ये एकदम परफेक्ट है, और ऊपर में आपको 4 इंच भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। 4 इंच से लेकर 6 इंच तक आप रख सकते हैं ऊपर। अभी हम लोग इसको होल करके दिखाएंगे, पहले इसको एक ही साइड में बैठा के हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, उसका बाद ही जो इसको पंच करके जो है होल कर देंगे। साइड का दो पल्ला लगा दिया, 20 पल्ला गुटका, ये गुटका लगा दिया। ये बाज़ार में आपको 1 रुपया 1.5 रुपये में मिल जाएगा। इसको यहाँ बीच में लगाना पड़ता है, सिर्फ 2 लाइन लगाना पड़ता है बीच में। ये भी सिर्फ 2 लाइन दिखाई दे रहा है आपको, और ये ऊपर का जो लाइन है ये ऊपर साइड है, ऊपर में एक ही लाइन लगाने से हो जाएगा। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये आपको इस तरह से लगा, पूरा का पूरा लगा चुका, 2 लाइन 2 लाइन लगा दिया। इसमें भी जो है बीच में भी 2 लाइन लगा दिया, और लास्ट में जो है चक्का का साथ इस तरह से लगा दिया गया है। इसमें चक्का लगने वाला है, इसलिए इसको छोड़ा हुआ है। अभी सबसे पहले आपको इसको ऐसा निकाल के दिखाता हूँ।
किस तरह से लगते थे। ये देखिए, सबसे पहले जो है ये पट्टी हमेशा एक ही साइड में मूव करना ज़रूरी है। अभी दिख रहा है इधर मूव कर रहा है, सब कुछ यहीं मूव करेगा। तो आपको ये दो छोड़ के जो है पट्टी बीच में पूरा लगा लेना, सिर्फ दो ही छोड़ देते, दो को भी छोड़ देते। उसके बाद जो है आपका ये कैंची वाला भाग आ जाएगा। कैंची वाला एक्चुअली मैं आपको समझाना, इसको कैंची बोलते हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर था इसको कैंची बोलते हैं। ये देखिए इसमें ये लगाते हैं, मैं इसको पूरा डिटेल्स में आपको समझाता हूँ। अभी ये मेजरमेंट इस तरह से होता है, ये जो है 20 इंच है, तो मैं पट्टी काटता हूँ इसका 17 इंच। तो मैं डिटेल आपको ग्राफिक का जरिए समझाने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये 17 इंच का पट्टी है, तो मैं इसको सबसे पहले जो है साइड में 12 mm यानी 1/2 इंच में मार्किंग कर देता हूँ। फिर ये साइड से भी जो है 12 mm यानी 1/2 इंच में मार्किंग कर देता हूँ। उसका बाद जो है ये सेंटर वाला, मैं पहले से इसको सेंटर निकाल के मार्किंग कर दिया। जैसे ही सेंटर में ये दोनों साइड से 8 इंच में आ जाएगा, डिवाइड करने से ये सेंटर आ जाएगा। उसका बाद जो है यहाँ से आपको फिर 12 mm यानी 1/2 इंच में एक थोड़ा सा एक बार के लिए मार्किंग करना है। उसका बाद यहाँ से मेजरमेंट करके आपको देखना है कि 9 इंच आ रहा है। 9 इंच का जो है आपको बीच चार का एक पट्टी काट के रख लेना है। उसका बाद जो है ये दोनों का बीच में एक मार्किंग करना है, जिसका मेरे हिसाब से ये 4 इंच में हो जाएगा। तो उसका उसी का पट्टी जो है एक 9 इंच का जो पट्टी हम लोग कर रहा था उसका ऊपर में बीच इस तरह से लगा देना है, और जो है दो टेक कर देना है, दोनों माथा में दो टेक कर देना है। उसका बाद ही जो आपको होल करना है, ये ध्यान रखिए इसको टेक करके ही होल करना है, क्योंकि वही जो पट्टी में दागी मारा था उसी हिसाब से हो जाएंगे। अब होल मारने के बाद जो है ये इस तरह से मूव होना चाहिए। मान लीजिए इसको दोनों साइड से घुराने से भी एक ही जगह में दोनों का जो होल है वो आना चाहिए। इस कैंची के बारे में जो है और एक वीडियो है मेरा जो आई बटन में शो कर रहा है, वहाँ जाके भी आप लोग इस बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस तरह से लगाया जाता है, ये इसका ऊपर ही जो है इसको आराम से इसको लगा देंगे इस तरह, और इसमें एक स्पॉट वेल्डिंग से स्पॉट कर देंगे ताकि ये रिपीट को पकड़ लेगा। अब मैं दिखाने वाला हूँ, मैं इसको उंगली तो पर फोकस है ना, इस तरह से जो है सब चैनल पहले इसमें डाल देते हैं। उसका बाद जो है हम लोग इसको गर्म कर देते हैं, और ऊपर से जो है इसको मटूल से थोड़ा बहुत ब्राउन कर देते हैं। इसका भी तरीका बहुत कुछ अलग होता है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए बीच का जो गुटका वाला लाइन है, ये लाइन को थोड़ा ज़्यादा पीट सकते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा हथौड़ी मार सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। लेकिन बीच वाला जो लाइन है, मतलब दो पट्टी का बीच में जो होल होता है, उस लाइन में जाकर आप कभी भी आपका हथौड़ी चलाए तो थोड़ा धीरे से चलाइए, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, जाम हो जाएगा। जब भी ये चैनल गेट खड़ा करेंगे और खींचने का टाइम बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए जो है ये वाला बात जो है ध्यान में रख के आपको करना है। दोनों को आपस में जोड़ के इस तरह दो हैंडल लगा दिया जाता है, एक छोड़ के एक, और इस तरह से इसको लॉक को लगा दिया जाता है। ये देखिए ये वाला लॉक है, एक्चुअली देख सकते हो इसको लिए ताला लगाने के लिए। यहाँ में दो लगा हुआ, एक भी लगा सकते हैं कोई बात नहीं। और ये डाउन साइड है, ये हो गया आपका चक्का के लिए है, ये और हैंड हल्का इस तरह से लगा दिया जाता है। चैनल को ही फाड़ के हम लोग लगा देते हैं, ये तो अपना हिसाब से है। मान लीजिए आपका अगर टेढ़ा है तो टेढ़ा लगाना पड़ेगा, अगर सीधा है तो सीधा लगाना पड़ेगा। हम लोग का चैनल गेट रेडी हो चुका है, तो
हम लोग जो है नीचे का लाइन, चालीस का एंगल है, पट्टी चालीस का है, तो 10 mm रोड है। इस तरह से जो है सब कुछ सही होने के बाद जो है हम लोग इसको फुल वेल्डिंग कर देते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक जो है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको नीचे से भी इसको वेल्डिंग कर देना है, जो चैनल है नीचे का लाइन है उसको उल्टा करके फिर नीचे से भी आपको हैवी करना है, और चाहे तो एक दो तो होल पास लगा सकते हैं नीचे से। और लास्ट जो है बनकर सेंटर में जो है अगर डबल वाला है तो आपको ब्लॉक देना जरूरी है। इस वीडियो में मैं वहाँ तक नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ा टाइम शॉर्ट हो गया इसलिए। जाने से पहले गाइस एक बार पूछना चाहता हूँ, मेरे यहाँ तो चैनल गेट का जो किलो है पर किलो, हम लोग 180 रुपये पर किलो बेचते हैं और स्क्वायर फीट जो है 400 रुपये होते हैं। आप लोग का वहाँ भी कितना है पर किलो और स्क्वायर फीट कितना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करेंगे, अगर थोड़ा भी वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर बनता है, और अगर आप वीडियो चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने और कॉन्फिडेंस मिले। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।